एक ऐसा स्विच वर्ड जो दुश्मनों को ख़त्म कर देगा, दुश्मनों को आपसे दूर कर देगा, आपके शत्रुओं का आपके अंदर जो भय है उसे ख़त्म कर देगा। नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार स्विच वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे उसका सही तरीका कि कैसे इसे करना है। पहले आप जानिए ये स्विच वर्ड क्या है। स्विच वर्ड का नाम है दुरंत देवा या फिर दुरंत देव। अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग बोला जा सकता है इसे। मैंने बहुत सारे स्विच वर्ड्स बताए हैं, बहुत सारे एंजल्स नंबर बताए हैं, लेकिन सारे ज़्यादातर अलग अलग भाषाओं में हैं। इटालियन है या फ्रेंच है या इंग्लिश है, कुछ चाइनीज़ भी हैं, कुछ जापानीज़ भी हैं। तो वैसे ही कुछ स्विच वर्ड्स हमारे भारत से भी हैं, हमारे वैदिक भी हैं, और दुरंत देव हमारा भारतीय वैदिक स्विच वर्ड है। भगवान दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय, ये उनकी शक्ति से उनके नाम को हम स्विच वर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। दुरंत देव शब्द एक तारीफ की तरह, प्रशंसा की तरह, पुकारने के लिए एक टाइटल की तरह, जैसे कि किसी को विघ्नहर्ता, भगवान गणेश विघ्नहर्ता बोलती है, भगवान गणेश हो जाते हैं ना, ज्ञान की देवी माता सरस्वती हो जाती है ना, धन लक्ष्मी देवी आदिशक्ति लक्ष्मी माता की बात हो रही है ना, पालनहार भगवान नारायण की बात हो रही है ना, भोलेनाथ शिव शंकर की बात हो रही है ना। वैसे ही दुरंत देव बोलने से हम भगवान दत्तात्रेय को याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनका नाम पुकारते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय की कहानी छोटा सा हम समझ लेते हैं कि एक समय की बात है जब अनुसुईया नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, जो बहुत धार्मिक थी, बहुत धर्म कर्म को मानती थी, परमात्मा का ध्यान करती थी, पूजन करती थी, लोगों को अच्छी शिक्षा देती थी। तो उसी समय त्रिदेवी यानी कि तीनों आदिशक्ति देवियों ने उनकी परीक्षा लेने की सोची कि तुम कितने ज़्यादा आध्यात्मिक हो, इस चीज़ की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने त्रिदेव से कहा कि इनकी परीक्षा लेने के लिए आप जाइए। तब त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं माता अनुसुईया की। वो भिक्षार्थी के रूप में जाते हैं साधु बनकर, और उनसे भिक्षा के रूप में मांगते हैं कि हमें खाना खिलाओ, हमारा पेट भरो, और शर्त ये होगी कि ये करने के लिए आपको निर्वस्त्र होना होगा, निर्वस्त्र होकर ही आप हमारा पेट भर सकते हैं। अब माता अनुसुईया तो बहुत धार्मिक थी, धर्म कर्म को मानती थी, तो कोई भिक्षार्थी आया है तो उन्हें ना नहीं कह सकते, पाप लगेगा, उस समय ऐसा ही होता था। तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी आज्ञा चक्र में लेकर आई और अपनी आज्ञा चक्र के द्वारा आज्ञा दी। जैसे कि मैंने सिखाया था ना, आज्ञा चक्र पर शक्ति आने से आप आज्ञा दे सकते हैं अपने शरीर को, कहीं भी, किसी को भी। तो उन्होंने आज्ञा दिया कि आप सभी शिशुओं में बदल जाओ, और त्रिदेव शिशु रूप में परिवर्तित हो गए, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि एक स्त्री अपने छोटे से बच्चे के सामने निर्वस्त्र होकर उसे खाना खिला सकती है, उसे फीडिंग करा सकती है, अपना दूध पिला सकती है। और जैसे ही उन्होंने ये आज्ञा दिया, त्रिदेव अपने आप छोटे बच्चे बन गए, और अब वो उनके उन्होंने उन्हें अपना पुत्र बना लिया। त्रिदेवियाँ डर गईं कि हमने तो परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, ये तो हमारे पतियों को अपने बालक बना कर रख ली, अब हमारा क्या होगा, इस सृष्टि का क्या होगा, क्योंकि ये तो माता के पास ही रहना चाहेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा तो अपनी माँ के पास ही रहना चाहेगा ना। तब त्रिदेवियों ने माता अनुसुईया को वरदान दिया कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र हो, तुम्हें ऐसा पुत्र की प्राप्ति हो जो इन तीनों देवताओं की शक्तियों को लेकर के, अंश को लेकर के आपका पुत्र बन करके रहे। और उसी समय भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों सिर के साथ भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय जब बड़े हुए तो उन्होंने माता प्रकृति से शिक्षा प्राप्त की, कुत्तों से, बिल्ली से, पेड़ों से, गधों से, कीड़ों से, तितलियों से, पंछियों से, सांप से, लोगों की कही हुई बातों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और इसलिए संसार के महागुरुओं में से एक गुरु दत्तात्रेय बने। और ऐसे भगवान दत्तात्रेय को हम जान पाए, पहचान पाए। अब आप सोचिए, जो तीनों देवताओं की शक्तियों से बना है
वो कितना शक्तिशाली होगा। तो भगवान दत्तात्रेय की कहानी को हम जान चुके हैं और अब समझे भगवान दत्तात्रेय के इस नाम को, दुरंत देव इस नाम को हम कैसे एंचेंट करेंगे। बेटा सबसे पहले एक बात जान लो, शत्रु कोई भी हो सकता है। एग्जाम आपको शत्रु हो सकता है, जिम में वर्कआउट करना आपको शत्रु हो सकता है, आलस्य आपको शत्रु हो सकता है, कोई आपका बॉस है उस समय आपका शत्रु बन सकता है, शत्रुता फील कर सकता है, दुश्मनी जैसा फील हो सकता है आपको। किसी भी इंसान के लिए ऐसा लगे कि वो आपका दुश्मन बन गया है, वो आपका हार्म कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है, तब इस मंत्र को इंचेंट करेंगे। दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव। तो अब देखो ये जो वाइब्रेशन निकलेगी, धोखा है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इस मंत्र शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जब भी कभी हम ये कहते हैं कि शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इस मंत्र शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इससे शत्रुओं का नाश नहीं होता, शत्रु के अंदर जो शत्रुता है उसकी का नाश हो जाता है। मतलब कि जैसे कि इस दुनिया में बाकी 8 बिलियन लोग हैं, वैसे ही वो इंसान भी आपके लिए हो जाता है, सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जो भी चीज़ आपको डरा रही है, जो भी चीज़ आपको भयभीत कर रही है, आक्रांतित कर रही है, और आप उसे शत्रुता फील कर रहे हो कि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आप बस तुरंत देव करना शुरू कर दीजिए। आपको लग रहा है कि आपको आपके टीचर डांटने वाले हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि घर जाके मतलब मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाले हैं, तुरंत देव, तुरंत देव, तुरंत देव। डांट तब भी पड़ेगी, लेकिन इतने प्यार से, अच्छे से समझाया जाएगा, तब भी इतने प्रेम से बोला जाएगा, सही तरीके से बोला जाएगा कि आपको चोट नहीं पहुंचेगी। तो ये तरीका है। अब समझिए इसका सबसे सही तरीका क्या है। सुबह उठते ही अपने लिए जो कुछ स्विच वर्ड्स आप रखते हैं, है ना, जैसे कि कैनवा अलेक्सा रख सकते हैं, जैसे कि प्लेथोरा काउंट या लुई टकीला, ऐसे कुछ कुछ आप स्विच वर्ड्स अपने लिए रखते हैं लाइफ के जिस भी सब्जेक्ट को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके साथ इन्हें भी काउंट करें। रोज़ अगर आप ये करना चाहते हैं तो 11 बार की इंचेंटिंग शुरू कर लीजिए। 11 बार की इंचेंटिंग कैसे करेंगे, 3 सेकंड में सांस खींचेंगे और 7 सेकंड में इस चेंटिंग को करेंगे। 7 सेकंड सेकंड से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 सेकंड से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज मैंने बताया कि गहरी सांस खींचो और 11 बार पढ़ लो, ये रोज़ कर लो। और कभी भी अगर आपको ऐसा शत्रुता वाला भाव महसूस हो, कभी भी आगे आके कोई परेशानी लगने आ लगे, तब भी यही चेक करना, गहरी सांस खींचना और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसको 11 बार कर लेना, ठीक है। 11 बार से ज़्यादा भी अगर हो जाए सांस अगर बची हुई तो आगे भी कर लेना। और इस प्रतिमा को, इस इमेज को ध्यान में रखना कि ये हैं दत्तात्रेय, ये हैं तुरंत देव, इनकी ही कृपा से ये चीज़ हो जाएगी। तो आशा करता हूँ इस स्विच वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप कनेक्ट कर चुके हैं इस परमात्मा के स्वरूप से, तो बहुत अच्छे से आप इसका प्रयोग करना, ना केवल अपने लिए अपितु दूसरों के लिए भी। आप दूसरों के लिए भी शत्रुता को ख़त्म कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।